Subscribe the complete computer education channel and hit the bell icon to get the first notification of the videos. नमस्कार दोस्तों, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो इनवैलिड पैरामीटर एक मैसेज साइन आता है इंस्टाग्राम के ऊपर, जब हम लॉगिन होते हैं तो कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम को हमें फेस करना होता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनवैलिड पैरामीटर मैसेज साइन एरर को, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, फिक्स करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आप इस तरीके का कोई एरर मैसेज फेस कर रहे हैं तो आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर आके आपको आना होगा ऐप्स के अंदर, और ऐप्स के अंदर आके आप फाइंड कर लीजिए इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आप फाइंड कर लीजिए, इंस्टाग्राम का ऐप सामने आ जाएगा, इसको आप ओपन कर लीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर परमिशन देंगे, पहला आपका काम होगा यहाँ पर परमिशन दे दीजिए, और परमिशन में आके यहाँ पर आप लोकेशन को अलाउ कर दीजिए। लोकेशन को अलाउ करने के बाद माइक्रोफोन को अलाउ है तो अलाउ रहने दीजिए, जो जो चीज़ें अलाउ हैं। कैमरे पर जाइए, कैमरे को अलाउ कर दीजिए। तो यहाँ पर जो जो परमिशन है इसको अलाउ आप कर देंगे। तो ये पहला काम है, आप अलाउ कर दीजिए। दूसरा काम है इसको बैक करके आप बैक आ जाएंगे, और आएंगे जो सेकेंड आप वर्क करेंगे इस पर वो होगा आप स्टोरेज पर आ जाएंगे, और स्टोरेज पर आके जो भी आपने इनवैलिड इनपुट किया है लॉगिन करते समय, गलत पासवर्ड यूज़ किए हैं मल्टीपल टाइम्स, तो जो उसकी कैच फाइल्स स्टोर हो चुकी है आपके डेटा में, तो आप स्टोर पर आके यहाँ पे क्लियर कैच कर देंगे और क्लियर डेटा कर देंगे। यहाँ पर इतना करने के बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है, आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ऐप डिटेल इन स्टोर, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये डायरेक्टली जंप कर जाएगा प्ले स्टोर के साथ, और यहाँ पे आके आपको ये चेक करना है क्या यहाँ पर कोई अपडेट तो उपलब्ध नहीं है। यदि कोई अपडेट उपलब्ध है तो आप अपने ऐप को यहाँ से डायरेक्टली अपडेट कर ले, आप अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे। आपकी 100% जो इनवैलिड पैरामीटर्स वाला मैसेज साइन आ रहा था बार बार, वो सॉल्व हो चुका होगा। 100% ये वर्किंग करेगा। ये तीन स्टेप आपको यूज़ करने हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये 100% सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन समझ में आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोज़ इस चैनल पर डाले जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।